नमस्कार दोस्तों, अजय रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ खोया पनीर की सब्जी। हम बताएंगे किस टाइप से एक शानदार मजेदार आप खोया पनीर की सब्जी बना सकते हैं। घर में ही हमने इसे बनाया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ खोया पनीर की सब्जी। मैंने लिया है मिल्क पाउडर, एक कटोरी मिल्क पाउडर है, ये दूध है, जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उतना दूध लिया है, और एक चम्मच मैंने देसी घी लिया है। इन सब की सहायता से सबसे पहले हम मावा बनाएंगे। ले लेंगे हम एक फ्राई पैन, फ्राई पैन में मैं डाल दूंगा सबसे पहले देसी घी। देसी घी जब आपका पिघलने लग जाएगा उसके बाद में हम इसमें दूध डालेंगे, और देसी घी और दूध के बाद में हम मिल्क पाउडर डाल के इसका मावा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देसी घी पिघल जाए तब आप ये सारा का सारा दूध डाल देंगे इसमें, और दूध को आप मिक्स कर लें। मिक्स करके एक उकाली इसमें आने दें ताकि जब ये उकल जाए दूध, उसके बाद में आप इसमें घी में और मिल्क में मिल्क पाउडर डाल देंगे और इस तरीके से इसका मावा बनाएंगे। देखिए दूध में उकाली आने लग गई, मिल्क उकलने लग गया। यहाँ पे इस स्टेज पे हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर डाल करके आप इसको कंटिन्यू हिलाते रहें, चलाते रहें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स जो हो वो ना पड़े। और आप इसको इस तरीके से मिल्क पाउडर चलाने के बाद में कंटिन्यू हिला लें। गैस आपको लो टू मीडियम ही रखनी है और स्लो आँच पर इसको सेकना है, और इसमें किसी भी तरह के लम्स हो उनको आपको इस तरीके से मिक्स करते हुए और इसको चलाते रहना है ताकि ये मावा आपका तैयार हो सके। ज़्यादा पकने में इसको टाइम नहीं लगेगा, हम 3 से 4 मिनट में मावा बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। देखिए गाढ़ा होने लग गया है और सारे इसके लम्स निकल गए हैं। और थोड़ा सा आप इसको चलाएंगे ताकि ये जो पतलापन है वो कम हो सके, और इस तरीके से आप इसको मावे के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये मावा बनकर के तैयार हो गया। थोड़ा सा अभी पतला लग रहा है तो थोड़ी देर और उकाली हम इसमें लगा लेंगे ताकि ये ढंग से गाढ़ा हो सके। उसके बाद में हम हमारी गैस बंद करके इस मावे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। लगभग हम हमारे को 1 से 1.5 घंटा इसको ठंडा होने के लिए रख देना। यहाँ पे हम ले लेंगे प्याज, जिन्हों को मैंने छोटे टुकड़ों में लंबे लंबे आकार में काट लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, साथ ही हरी मिर्च ली है जिसको भी हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। इन सबको मैं पानी में डाल करके उबाल लूँगा ताकि इनों की हम ढंग से ग्रेवी बना सकें। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, कढ़ाई ले सकते हैं आप, और उसमें हम पानी गर्म करेंगे। साथ ही में डाल दूंगा ये सारे प्याज ताकि हम इनों को ग्रेवी बनाएंगे, तो इसलिए हम इनों को उबाल लेंगे। साथ ही में ये हरी मिर्ची है वो भी हम इसमें डाल देंगे, और ये मैं डाल दूंगा 3 टमाटर। टमाटर आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं जितना आप चाहें ग्रेवी बनाने के लिए। टमाटर हमारे को इनों के छिलके उतारना, इतना पकाना है, और इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे ताकि ये ढंग से उबल सकें। उसके बाद में हम इनों की ग्रेवी बनाएंगे। ढक्कन बंद करके आप इन्हें पका लेंगे ताकि तेज गति से पक सकें। देखिए उकाली इस तरीके से आ गई है और प्याज पकने लग गए, टमाटर भी पकने लग गए। अब हम गैस बंद कर देंगे, इनों को थोड़ी देर गर्म पानी में ही रहने देंगे ताकि ये ढंग से और ज़्यादा पक सकेंगे। प्याज थे, हरी मिर्च थी, उनको हमने अलग निकाल लिया, टमाटर को गर्म पानी में ही रख दिया है। अब हम किसी मिक्सर जार को लेकर के इनों का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे ताकि ये प्याज हम महीन कर सकें, उसके बाद में हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमने प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया जिसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। इसमें डालने के लिए मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा लिया है, ये हरा धनिया है जिसको हमने बारीक कूट लिया, हरे धनिया के बीज है 1/2 छोटा चम्मच है, 1/2 छोटा चम्मच राई है, 3 तेज़पत्ता लिया है मैंने 3 से 4, ये जावित्री है, इसके अतिरिक्त मैंने बड़ी लौंग ली है, बड़ी इलायची है ये, और ये छोटी इलायची है। साथ ही हमने लिए लौंग और कुछ काली मिर्च लिए 7 से 8। इन सब की सहायता से हम मसाले बनाएंगे। एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे, तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें राई डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच मैंने राई ली है, इसके अतिरिक्त ये हरे धनिये के बीज हैं जिसको हम ले लेंगे, और जीरा ले लेंगे, जीरा भी मैंने 1/2 छोटा चम्मच लिया है। इन सबको डाल करके आप और मसाले भी डाल दें। यहाँ पे तेज पत्ता लिया है मैंने 2, वो डाल देंगे। साथ ही मैं डाल दूंगा यहाँ पे 4 इलायची छोटी वाली है, और 1 ये बड़ी इलायची है जिसको भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं डाल दूंगा 1 जावित्री का फूल, इसके अतिरिक्त हम लौंग डाल देंगे, लौंग भी मैंने 3 से 4 लिए, वो हम इसमें डाल देंगे, और कुछ डाल देंगे काली मिर्च जो कि हमने ली थी, और इन सबको डाल करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब ये मसाले पक जाएंगे तो आप ये जो प्याज का पेस्ट है उसको हम डाल देंगे, इस तरीके से डाल करके आप इसको मिक्स कर लें ताकि ये ढंग से पक सके। इस तरीके से आप इसको पका लेंगे।
टमाटर थे उसके हमने सारे छिलके उतार लिए, इस तरीके से टमाटर पक गए हैं, इसके हमने छिलके उतार लिए, अब हम इनों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इनों का पेस्ट तैयार कर लेंगे, छिलके आपको हटा देने हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेवी इस तरह से पकने लग गई, ये प्याज पकने लग गए, हम इन्हें और गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे ताकि ये ढंग से पक सके, उसके बाद ही हम इनमें टमाटर की ग्रेवी डालेंगे। इस तरीके से हम इसके और 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि ये ढंग से पक सकेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। इस तरीके से हमने ये टमाटर की ग्रेवी बना ली, इसको भी हम हमारे मिक्सचर में डालेंगे। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं तो ये देखिए पूरी तरीके से पक कर के तैयार हो गए, जो प्याज और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट डाला था। अब इस स्तर पर मैं डाल दूंगा यहाँ पे ग्रेवी, ग्रेवी डाल करके आप इसको मिक्स कर लें और इसको और पका लें ग्रेवी के बाद में, ताकि ये मसाले ढंग से पक सके, टमाटर भी पक सके। हालांकि हमने टमाटर और प्याज पहले उबाल लिए थे इसलिए बहुत ज़्यादा इनको पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस स्टेज पर आप टमाटर और प्याज और पका लें ताकि ये ढंग से पक सके, उसके बाद में आप ड्राई मसाले इनमें डाल देंगे। यहाँ पे हम इस स्टेज पे मसाले डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच हरे धनिया का पाउडर लिया है जिसको मैं इसमें डाल दूंगा, साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, मैंने लाल मिर्च लिया है, इसको डाल करके आप मिक्स कर लें। साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी का लिया है मैंने, और लिया है नमक, नमक आप कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लें। इन सबको डाल करके मिक्स कर लें और 1 से 1.5 मिनट तक मसालों को भी आप पका लेंगे, ताकि इस तरीके से ये ग्रेवी और पक सके, मसाले भी थिक हो सके। यहाँ पे इस स्टेज पे मैं डाल दूंगा हमारा खोया जो हमने बनाया था, इसको खोया को डाल करके आप मिक्स कर दें इस तरीके से, और मिक्स होने के बाद में आप इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये ढंग से पक सके। ये घर का ही बना हुआ खोया है, आप बाजार का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्रेवी के लिए मैं डाल दूंगा दूध, मैं इसमें 1/2 कटोरी दूध डाल देंगे हम, ताकि इसमें ढंग से ग्रेवी बन सके। इस तरीके से हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा लाइट बना लेंगे। इस तरीके से आप एक साथ दूध में डाल करके धीरे धीरे दूध डालें, थोड़ा सा दूध में और डाल दूंगा इस तरीके से, और इसको पकने देंगे, होने देंगे हम इसमें। पनीर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरीके से मैंने पनीर काट लिया, ये 250 ग्राम पनीर है जिसको हम इसमें डालेंगे। इस तरीके से ग्रेवी हो जाएगी, ये देखिए इतनी पतली ग्रेवी हमारे को तैयार करनी है ताकि ये ज़्यादा अच्छी बन सके, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ सके। यहाँ पे इस तरीके से ये ग्रेवी आपकी बन करके तैयार हो गई, जो कि बिल्कुल हमने घर के उपलब्ध खोए से बनाई है। देखिए इस तरह से ये ग्रेवी हो गई, ये बनकर के तैयार हो गई। यहाँ पे इस स्टेज पे मैं डाल दूंगा थोड़ी सी चीनी, ये मैंने चीनी ली है 1/2 चम्मच चीनी है। साथ ही हम डाल देंगे ये दाना मेथी, कस्तूरी दाना मेथी है, जिसको भी मैं क्रश करके डाल दूंगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और आप इसको मिक्स कर दें इस तरीके से, मिक्स कर देंगे। यहाँ पे इस स्टेज पे हम पनीर डाल देंगे, सारे पनीर मैं इसमें डाल दूंगा, और इसको आप मिक्स कर लेंगे इस तरीके से ताकि ये ढंग से पक सकेंगे। इसके बाद में आप ढक्कन लगा दें इसका और 2 मिनट के लिए आप इसको पका लें। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये पनीर भी इसमें पूरी तरीके से पक गया है और सब्जी ने अपना सारा का सारा ऑयल था वो रिलीज कर दिया। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा लास्ट में हरा धनिया, ताकि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ सकेगा सब्जी का। हरा धनिया डाल करके आप मिक्स कर दें, गैस आप बंद कर देंगे इस स्टेज पे, और इसको अन्य किसी बर्तन में निकाल लें। ये सब्जी बन करके तैयार हो गई पूरी तरीके से, खाने के हिसाब से, परोसने के हिसाब से रेडी है। यहाँ पे हम इसे अन्य किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से ये आपकी सब्जी बन करके तैयार हो गई, जो कि हमने खोया पनीर की बनाई है, जो कि घर पे उपलब्ध सामग्री के हिसाब से बनाया है। खाने में जितनी लाजवाब होगी, दिखने में भी उतनी शानदार है। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इस तरीके से पनीर की सब्जी बनकर के तैयार हो गई, खोया पनीर की सब्जी है, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, ये घर की बनी हुई सब्जी है लेकिन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में लग रही है। हमने इस को बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाया है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने कमेंट्स के साथ मुझे शेयर करें किस तरीके से आपको ये रेसिपी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स।